आप सभी देशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज एक स्तुति भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में। पितर भगत श्री परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हुए। पिता जमदग्नी मारेणु पाके पांचवे ऋषि कुमार हुए। पितर भगत श्री परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हुए। पिता जमदग्नी मारेणु पाके पांचवे ऋषि कुमार हुए। जमदग्नी मारेणु पाके पांचवे ऋषि कुमार हुए। त्रेता युग में भृगु कुल के त्रेता युग में भृगु कुल के घर में होया उजाला था। शुक्ल पक्ष की बैसाख तीज ने जन्म्या फर से आया था। मात पिता ने गणेश आवते लाड लडा के पाया था। रिचक मुनि और कश्यप जी ने रे दे दिया ज्ञान निराला था। रिचक मुनि और कश्यप जी ने दे दिया ज्ञान निराला था। सारंग धनुष अविनाशी मंत्र सारंग धनुष अविनाशी मंत्र फिर गुरु देन ने प्यार होए। पिता जमदग्नी मारेणु पाके पांचवे ऋषि कुमार होए। हर पितर भगत श्री परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार होए। पिता जमदग्नी मारेणु पाके पांचवे ऋषि कुमार होए। अरे जमदग्नी ने एक समय में जमदग्नी ने एक समय में अवन करने की धारी थी। गंगा जल गई लेन रेणुका पर आई गणी वारी थी। क्रोध के कारण उस जमदग्नी ने मन में गलत विचारी थी। पिता की आज्ञा से परशुराम ने फिर माँ की गर्दन तारी थी। पिता की आज्ञा से परशुराम ने माँ की गर्दन तारी। अर वर में जीवन मांगा उनका अर वर में जीवन मांगा उनका और अष्ट के फेर दीदार हुए। पिता जमदग्नी पांचवे ऋषि कुमार हुए। हमारे पितर भगत श्री परशुराम जी विष्णु के छठे
कपिला गा के कारण उसने कपिला गा के कारण उसने सैसर बाहू मारे दिया फिर सैसर बाहू के बेटिया ने शरजम दगनी का तारे दिया क्रोध में भर के परशुराम ने खपा सारा परिवार दिया पांच तला गए भरे खून तय कर दुष्टा का संहार दिया पांच तला गए भरे खून तय कर दुष्टा का संहार दिया अरे इक्कीस बार मिटाए छतरी समद्रोण और कर्ण जिसा ने गुरु रूप में ध्यान करया जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति वेदों ने व्याख्यान करया लाखन माजरे आले ने बीजर परशुराम गुणगान करया लाखन माजरे आले ने कपिंदर शर्मा अपने गुरु के कपिंदर शर्मा अपने गुरु के अरे शिष्य तबेदार हुए साधम जगनी मारे नुकाजे पांच मेरी ऋषि कुमार हुए अरे शिष्य तबेदारी परशुराम जी सनु के सके अवतार हुए परशुराम की।